हेलो, वेलकम टू सरोज शर्मा क्लासेस। अगला टॉपिक है हमारा सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू इटियोलॉजिक एजेंट्स ये सेल एनकाउंटर्स, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं, उनके इटियोलॉजिकल एजेंट्स का इतना इतना स्ट्रेस होता है सेल पर एनकाउंटर होता है, तो उससे जो इफेक्ट पड़ता है उसको कहते हैं हम सेल इंजरी। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर, एक सेल पर इटियोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल इंजरी। इफेक्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्टेटेड ड्यू टू इटियोलॉजिकल एजेंट्स ए सेल एनकाउंटर्स, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्या सेल हर प्रकार के जो इटियोलॉजिक एजेंट्स हैं उनके द्वारा सेल इंजर्ड हो जाती है? तो उसके लिए सेल ने एक मैकेनिज्म को बनाया हुआ है कि किसके द्वारा मुझे इंजर्ड होना है, किसके द्वारा नहीं होना है। तो इसके लिए सेल क्या है, क्या करती है? सेल्स ऑफ द बॉडी हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म टू डील विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू एन एक्सटेंट। एक लिमिट तक सेल क्या करती है, अपनी एक मैकेनिज्म को स्टार्ट करती है उस इटियोलॉजिक एजेंट्स के विरुद्ध में, जिससे कि जो सेल है उसका जो एनवायरनमेंट है इंटरनल वो सही रहे और सेल सही रहे। इसके लिए क्या करती है, वो एक मैकेनिज्म को स्टार्ट करती है। तो उस जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं हम सेलुलर रेस्पॉन्स। जब सेलुलर रेस्पॉन्स में एक एक्सटेंट तक सेल जो है सेलुलर रेस्पॉन्स को अपने को बना के रखती है और मैकेनिज्म को बना करके रखती है। जब ये मैकेनिज्म जो है, इससे इटियोलॉजिक एजेंट्स जो है मैकेनिज्म को बिगाड़ देता है, तब ये सेल क्या होती है, इंजर्ड होती है। तो तब इसका इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम सेल इंजरी। सेलुलर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल्स। सेलुलर जो रेस्पॉन्स है, जो सेल जो रेस्पॉन्स कर रही है, ये टू वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है होस्ट फैक्टर, द टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व। कौन कौन सा सेल है, कौन कौन सा टिश्यू है, उसका क्या टाइप है, इसके आधार पर सेल रेस्पॉन्स होता है स्ट्रेस के खिलाफ। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो है वेरिएबल वो है फैक्टर्स पर्टेनिंग इंजुरियस एजेंट्स एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ सेल इंजरी। जो फैक्टर्स हैं इंजूरियस एजेंट्स के, जो रिलेटेड एजेंट्स हैं, वो सेल इंजरी के कौन कौन सी सीमा तक, कौन कौन से एक्सटेंट लिमिट तक वो उसको झेल सकती है सेल, इसके आधार पर ये जो फैक्टर हैं वो। इन दो फैक्टर्स के जो वेरियल सेलुलर रेस्पॉन्स होता है, तो सेलुलर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस जो होता है वो कैसे हो सकता है? या तो सेल उसको एक्सेप्ट कर ले, उस एजेंट जो है इटियोलॉजिक एजेंट्स है, अगर उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है कि डिमांड तक, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेलुलर एडेप्टेड। और एक मॉडरेट कंडीशन तक ये इटियोलॉजिक एजेंट्स रहता है, उसके बाद में वो इटियोलॉजिक एजेंट्स जो है वो हट जाता है। तो वो सेल्स जो होती है, अगर वो इंजर होती है, तो वो आपस में बाद में अपनी इंजरी को स्वतः ही मैकेनिज्म के द्वारा बढ़ा लेती है। तो वो क्या हो गया, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। अब इतना एक्सटेंट हुआ इटियोलॉजिक एजेंट्स का कि सेल उसको एडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या होगा, वो सेल इंजर्ड हो जाएगी और उसको हम कहेंगे इररिवर्सिबल। उसको क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल जो है,
इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में सेल या तो वो सेल के लेवल पर होगा तो उसको कहेंगे हम सब सेलुलर लेवल, या फिर सेल के अंदर होगा तो उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर। लेवल इंजरी, तो ये जो सेलुलर जो रेस्पॉन्स है वो थ्री जो मतलब ये रेस्पॉन्स टाइप्स का होता है। पहला तो होता है सेलुलर एडेप्टेशन, रेस्पॉन्स जो है वो उसी आधार पर जैसा एटियोलॉजिक एजेंट चाहता है उसी आधार पर सेल की कंडीशंस को बना देगा। या दूसरा रेस्पॉन्स ऐसा है कि एक कंडीशन पर वो एटियोलॉजिक एजेंट्स रिएक्ट करता है उसके बाद में वो हट जाता है तो उसको कहेंगे हम रिवर्सिबल। और तीसरा है इररिवर्सिबल, इसमें सेल इंजर्ड हो जाती है। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.